नेपाल में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नेपाल ने अभी तक सिर्फ BRI से जुड़े एक MOU पर ही हस्ताक्षर किया है। इसके बावजूद चीन का दावा है कि वह नेपाल में BRI के तहत कई परियोजनाओं को पूरा कर चुका है। हालांकि नेपाल के अधिकारियों ने चीन के इस दावे को खारिज किया है। ऐसे में विवादों से बचने के लिए नेपाल अब BRI कार्यान्वयन योजना को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड चीन यात्रा के दौरान BRI कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस मसौदे में नेपाल में BRI के तहत आने वाली परियोजनाओं और उन्हें मिलने वाले चीनी कर्ज का जिक्र होगा। नेपाल में BRI को लेकर बैठकों का दौर जारी है। 1 सितंबर को काठमांडू में नेपाली प्रधानमंत्री आवास बालुवाटर में आयोजित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की एक बैठक में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मिन बहादुर श्रेष्ठ को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय करने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक मसौदा योजना को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया। श्रेष्ठ के नेतृत्व वाली समिति चुपचाप नेपाल में BRI परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीन तैयार कर रही है। प्रचंड की चीन यात्रा के दौरान हो सकते हैं हस्ताक्षर। काठमांडू पोस्ट ने BRI के मसौदा दस्तावेज पर काम करने वाले राष्ट्रीय योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया कि वे योजना पर एक आम स्थिति तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके आधार पर नेपाल परियोजना पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से शुरू होने वाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की आगामी चीन यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। नेपाली कैबिनेट की मंजूरी के लिए शुक्रवार को बैठक। नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सचिव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को करने की योजना है, क्योंकि प्रधानमंत्री शनिवार को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। अगर शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में BRI कार्यान्वयन योजना के मसौदे को मंजूरी नहीं मिलती है, तो नेपाल इसे प्रधानमंत्री प्रचंड की यात्रा के दौरान चीनी अधिकारियों के सामने पेश नहीं कर पाएगा और यात्रा के दौरान BRI से संबंधित परियोजनाओं पर कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। जिसे नहीं पता BRI कार्यान्वयन योजना क्या है, उसे बता दूं कि BRI कार्यान्वयन योजना को नेपाल में BRI से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। योजना में इस बारे में भी बात की गई है कि कैसे दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अनुदान, ऋण या अन्य वित्तीय व्यवस्था के साथ नेपाल में BRI परियोजनाओं का निर्माण करेंगे। मसौदा योजना में BRI ढांचे के तहत सहयोग के क्षेत्रों की भी पहचान की गई है। नेपाल और चीन ने 2017 में BRI पर रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन दोनों पक्ष परियोजनाओं को लागू करने के तरीके पर एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं।